अगर पूरी बस मान लो एक्सीडेंट हुआ तो बचाने का रेशो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आधे घायल हुए हैं, आधे नॉर्मल भी हुए हैं जिनको चोटें लगी हैं, वो क्या करेंगे उसमें? हम सीरियल से लाए तो पता चला आधे वहीं एक्सपायर कर गए, और अगर जो इमरजेंसी है उसको पहले ले लिया और नॉर्मल आदमी को बाद में ले लिया तो वो ज़्यादा बच जाएंगे उस फैसिलिटी में। इसका मकसद ही यही होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को बचाया जा सके। तीन बार हुआ जहाँ पे सोल्जर्स की लड़ाई हुई, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे सोल्जर्स मतलब घायल हुए, घायल तब उन्हें सेपरेट बचाने के लिए, क्योंकि उसका जो रेशो था, ये नीचे दिखा रहा है, अंटिल रिसेंटली 8 बार रिपोर्टेड डेथ नाइटिंगेल्स मेथड रिड्यूस मोर्टालिटी रेट फ्रॉम 40% से 2% कर गया। पहले 100 में से 40% एक्सपायर हो जाए, डेथ हो जाए, लेकिन जब वो ट्रायल सिस्टम हुआ तो वहां पे 2% है, 100 में से 98 को बचा लिया गया, तो ये तो कर सकते हैं। यूनिट जेरेटिक इंटेंसिव केयर यूनिट हाई डिपेंडेंसी यूनिट, आइसोलेशन इंटेंसिव केयर यूनिट, मोबाइल इंटेंसिव केयर यूनिट, न्यूनेटल न्यूरोलॉजिकल हैं, ये सारे आईसीयू। लेकिन इसमें क्या, अब पेशेंट डिपार्टमेंटली वाइज हो जाता है, बच्चा है छोटा है कोई तो न्यूनेटल में चला जाएगा। मोबाइल, यहाँ मोबाइल वर्ड यूज हुआ, मोबाइल का मतलब ये है कि आपकी जो वैंस होती है जिनमें वेंटिलेटर की सुविधा होती है, इधर से उधर शिफ्ट करते हैं एम्बुलेंस, उसको मोबाइल इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं, कि शिफ्ट कर सकते हैं जिसको कहीं हायर सेंटर भेजना हो पेशेंट को तो वो उसके लिए यूज करते हैं। न्यूरोलॉजिकल जिसमें कि न्यूरो के पेशेंट एडमिट, हाई डिपेंडेंसी उससे थोड़ा सा कम होता है, जिसमें कि पोस्ट ऑप के बाद में रख देते हैं पेशेंट को, जेरेटिक है, कोरोनरी है, कोरोनरी मतलब ये वर्ड आ रहा है कोरोनरी, कोरोनरी तो आपने पढ़ ही रखा होगा, कार्डियक, कोरोनरी का मतलब ही कार्डियक, क्योंकि इसका वर्ड ही बता रहा है। जेरेटिक जिसमें कि ओल्ड एज पेशेंट ज्यादातर एडमिट होते हैं, पीडियाट्रिक एक तो होता है न्यूनेटल, एक होता है पीडियाट्रिक। न्यूनेटल हम बहुत छोटे बच्चों को रखते हैं, न्यूबॉर्न, लेकिन यहाँ पीडियाट्रिक जो 5 साल से है, मतलब लेस देन 15 ईयर्स। पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, पोस्ट एनेस्थीसिया का मतलब यही है कि अगर ऑपरेशन के बाद में उसे जरूरत पड़ती है पोस्ट ऑप में, तब उसको हम पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट बोलते हैं। क्या वो फ्रेश एयर, ये पेंडेंट होते हैं, एक इसमें एनेस्थीसिया साइड होगा तो ये हो गया पेंडेंट, और ये होता है सर्जिकल साइड वाला, सर्जन का लिए ये हो गया, एनेस्थीसिया वालों के लिए ये, बाकी ये एनेस्थीसिया वर्क डिसीजन हो गया, क्रेस्ट गार्ड हो गया। फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोप, ये जो लैरिंगोस्कोप, इसे हम वीडियो लैरिंगोस्कोप भी बोलते हैं, ये वाला वीडियो लैरिंगोस्कोप, और फाइबर ऑप्टिक इजीली चली जाती है, बट कुछ कंडीशन में क्या है, किसी की नेक कम है, ज्यादा है, पेशेंट ओबीज है, क्योंकि पेशेंट के साथ में आपको बहुत सारी डिफिकल्ट आएंगी, जरूरी नहीं है नॉर्मल, हर केस नॉर्मल होते हैं, इजीली तो कभी भी कर सकते हैं, तो उसके लिए इस ट्यूब को हम, इसको जो स्टीलेट है इसको हम जे शेप दिया गया है, इसको हम जे शेप में रखते हैं, लेकिन यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से बैंड करके उसके बाद ट्यूब में डाल के बैंड करके फिर हम उसको इस ट्यूब में ये लगा रखा देखिए,